हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है आप सबके दस हम सब बहुत अच्छे हैं तो आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई है वो है स्ट्रॉबेरी ड्रैगन फ्रूट क्रीम के साथ में लस्सी बनने जा रहा है खाने में बहुत ही फायदेमंद है और इसे कैसे बनाते हैं आप लोगों ने तो दही के साथ में खाया है आज मम्मी आपको क्रीम के साथ में कैसा बनाते हैं आपको बताएंगे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो सौ ग्राम है स्ट्रॉबेरी खाने से विटामिन सी ह्यूमिनिटी के लिए भरपूर फायदेमंद होता है इसको अगर फेस पे लगाने से ग्लो बहुत अच्छी तरह से आपको मिलता है ऑक्साइड जो, जो है ना वो जो रोगों से समता बढ़ने के लिए बहुत अच्छी है स्ट्रॉबेरी से लड़ने के लिए मतलब जो समता अपने रोग अंदर जो रोग होती है ना बीमारी का तो उससे ना लड़ने के लिए समपता बहुत बढ़ जाती है मेरी कोई भी बीमारी पेशेंट अगर खाता है स्ट्रॉबेरी उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है तो आपको तो बेनिफिट्स बता दी हूँ मैंने क्या क्या बेनिफिट्स होता है स्ट्रॉबेरी का अब स्ट्रॉबेरी कितना लिया है अगर आप लोग को वापस नहीं बोली हूँ मैं तो अगर वापस बता देती हूँ स्ट्रॉबेरी 200 ग्राम लिया है एकदम पका हुआ एकदम पका हुआ हमने जो जिसके पास से लाए थे उसको बोले थे अंकल हमको थोड़ा पका हुआ तो हमको लस्सी बनाना है तो उसने उसके टाइप का हम लोग को पका हुआ दिया और ड्रैगन फ्रूट्स अगर आप लोग को हम लोग ने आधा लिया है अगर आप लोग को फूल चाहिए तो आप लोग फूल के भी बना सकते हो दही यहाँ पे कितना लिया है मम्मी का है क्रीम अच्छा सॉरी 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 क्रीम कितना लिया है एक कटोरा एक कप क्रीम एक कप शक्कर और ये पाउडर शक्कर कितना जब जित जब अपन जब बनाएंगे जब जितना जाएगा उसके हिसाब से आपको देखने मिलेगा मतलब जो भी जो फल रहते हैं ना वो हर बीमारी से भी अच्छी ताकतमंद करता है फल खाने से जूस पीने से या फल एक खा लो तो अपना सेहत तंदुरुस्त हो जाता है और फेस पे लगाने से तो ग्लो आता है इसलिए अपने को ऑल टाइप ऑफ फे ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स वी कैन यूज ऑन फेस तो कैसा करके बनाते हैं आप लोग को एक एक करके बताएंगे कैसे कट करके रख दिए थे इसको थोड़ा बहुत कच्चा है पका पका हुआ है है तो जो पका है, वो बहुत मीठा है हाँ मैंने पहले से कटिंग तो करके रख दी है कैसा करके बनाते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जर में स्ट्रॉबेरी पका करा हुआ इसमें जो थोड़ा सा कच्चा का जो था वो, दाल देंगे। दे, हाफ, वो चला जाएगा, उसमें हो उसमें क्रीम है ये अगर आप लोग को इसका रेसिपी देखना है तो हम लोग मम्मी करके बताना शक्कर मीठा के हिसाब से दूंगी अभी तीन चार 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 चम्मच शक्कर गया है आपके हिसाब से आपको शक्कर डालना है ऐसा पानी डाल देंगे इसमें ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे हो गया है एकदम ग्राइंड कर कितना खूबसूरत है देखो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है खाने में बहुत ही टेस्टी भी है मैंने तो टेस्ट करके खाई थी बता नहीं सकते आप लोग लो लो नहीं खाएंगे ना तो आप लोग को पता नहीं चलेगा बंगाली में शरबत को पीना नहीं बोलते खाना अभी ये जब तक नहीं खाएंगे ना पता नहीं चलेगा आप लोग कुछ समझना नहीं है लेकिन हम लोग को बंगाली है तो हम लोग खाना ही बोलते सिरप स्टॉ स्ट्रॉबेरी का सिरप मुझे बराबर प्रोनाउंस करने नहीं आता प्रोनाउंस करने नहीं आता मम्मी को इसलिए मैं बोलती हूँ मम्मी ने बनाया ना वो रुकेगा नहीं बहुत पतला है तो ये रुकेगा नहीं उसमें तो इसलिए वो नीचे गया चलेगा नीचे गया तो नीचे भी दिखेगा तो ग्लास में अच्छा लगेगा डाल देंगे लस्सी देखिए लस्सी में डाल लेती शुगर पाउडर इसके साथ मालूम भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये देखो पूरा अंदर ये डूब जा रहा डूब जाएगा शुगर पाउडर जो अंदर जाएगा देखो अंदर अंदर चला जा रहा है <laughs> तो ये रुक रहा नहीं क्योंकि नहीं गाढ़ा है ना तो इसमें मेल्ट हो जा रहा है मैं इसको ऊपर से डाल देंगे ये तो ना। मैं तो छान रही थी इसकी वजह से जो बराबर गिलास में गिरे हाँ तो आप तो लोग हाँ। को ये स्टाइल का स्ट्रॉबेरी क्रीम कीवी के साथ में लस्सी रेसिपी रेडी हो गया है ये झटपट और इजीली बन गया आपने तो देखा कि तीन इंडिक, चार इंडिकेंट से ये लस्सी का जूस बन गया लस्सी बन गया है स्ट्रॉबेरी का तो कैसा लगा खाने में बहुत ही हेल्दी और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही अच्छा है कैंसर के लिए भी बहुत ही अच्छा है पेशेंट बीमारी पेशेंट भी इसे खाने से बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना लस्सी अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना आइकन प्रेस कर देना ताकि और नया नया जूस नया नया लस्सी नया नया अलग अलग नया नया तरीका का रेसिपी आप लोगों को देखने मिलेगा कुकिंग तो चलो कैसा लगा तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं बाय अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना बाय बाय अल्लाह अल्लाह दो बार हो गया कुछ माइंड नहीं करना क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ नहीं गए हाँ इसकी वजह से